क्या आपको पता है लक्ष्मण रेखा जो हम एक इंटेग्रल पार्ट समझते हैं रामायण की स्टोरी का, उसका वाल्मीकि रामायण में उल्लेख ही नहीं। इन्फॉर्मेशन जो हमें बताई जाती है अहल्या के बारे में, ये अहल्या को गौतम ऋषि ने श्राप देके पत्थर बना दिया, वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से कुबेर जो कि धन के राजा हैं, वो रावण के सौतेले भाई थे, स्टेप ब्रदर थे। सीता जी को किडनैप करने के पहले भी रावण ने बहुत स्त्रियों का शोषण किया। हम सब ने दशहरा सेलिब्रेट किया है अभी, और अब दिवाली की तैयारी चल रही है, तो इस अवधि में मुझे लगा आपके साथ थोड़ी जानकारी शेयर करूँ रामायण के बारे में। हम सबके मन में बहुत सारी गलत धारणाएं, काफी भ्रम होते हैं रामायण को लेके और राम कथा को लेके, तो ये मेरी कोशिश है कुछ भ्रमों को, कुछ भ्रांतियों को मिटाने की। क्या आपको पता है लक्ष्मण रेखा जो हम एक इंटेग्रल पार्ट समझते हैं रामायण की स्टोरी का, उसका वाल्मीकि रामायण में उल्लेख ही नहीं। ये काफी लोगों को ये जान के अचंभा होगा, पर लेकिन यही सत्य है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से कुबेर जो कि धन के राजा हैं, वो रावण के सौतेले भाई थे, स्टेप ब्रदर थे, और रावण ने उनसे लंका के साथ साथ पुष्पक विमान भी छीन लिया और उन्हें हिमालय खदेड़। एक और भ्रांति, एक और भ्रम जो लोगों के मन में होता है कि रावण बहुत सदाचारी था, ये बहुत ही गलत धारणा है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के हिसाब से सीता जी को किडनैप करने के पहले भी रावण ने बहुत स्त्रियों का शोषण किया। उनमें से एक थी वेदवती और दूसरी थी रंभा। रंभा के पति अल्कुबेर ने क्रोध में आके रावण को एक श्राप दिया कि अगर वो दोबारा किसी स्त्री का शोषण करने की कोशिश करेगा तो उसके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यही कारण था कि सीता जी लंका में ऑलमोस्ट एक साल बिताने के बावजूद थी, उसमें रावण का कोई बड़प्पन नहीं। एक और इन्फॉर्मेशन जो हमें बताई जाती है अहल्या के बारे में, कि अहल्या को गौतम ऋषि ने श्राप देके पत्थर बना दिया। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं होता। इनफैक्ट रामायण के हिसाब से अहल्या को ये एक आभास हो जाता है कि जो व्यक्ति उसके पति का रूप धर के आए हैं वो उसके पति नहीं थे और वो इंद्रदेव थे। और गौतम ऋषि इस डिसीट से वो इतने दुखी होते हैं कि वो इंद्र को भी श्राप देते हैं और अपनी पत्नी को, जो कि अपनी सुंदरता को लेके बहुत प्राउड थी, उसको वो ये श्राप देते हैं कि वो इनविजिबल हो जाएंगी और वो उनकी सुंदरता लोगों को दिखाई ही नहीं देगी। तो जब श्री भगवान राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी गौतम ऋषि के आश्रम में पहुँचते हैं, तो उनकी प्रेजेंस से ही अहल्या सबसे पहले विजिबल होती है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो वाल्मीकि रामायण में हैं और हमें इनका ज्ञान भी नहीं है। मेरी एक कोशिश है आप सबके साथ ऐसी कुछ छोटी छोटी कहानियां शेयर करने की मेरी बुक रामायण रिवील के द्वारा। ये किताब अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और नोशन प्रेस पे अवेलेबल है। इसको ज़रूर पढ़िए, अपनी हेरिटेज को जानिए, अपनी संस्कृति को जानिए, और जिन लोगों ने रामायण पढ़ी हुई है उनके लिए आई होप ये बुक काफ़ी नए तथ्य सामने लेकर आएगी। जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ी है उनके लिए दिस कैन बी द परफेक्ट इंट्रोडक्शन टू द वाल्मीकि रामायण। आज मैं आप लोगों के साथ दिवाली की सेलिब्रेशन को लेके कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो शायद आपको पता भी नहीं। स्कंद पुराण के अनुसार दीपावली के दिन सुबह सुबह स्नान करके सबसे पहला जो काम किया जाना चाहिए वो है पितरों के लिए श्राद्ध। सुन के अचंभा हुआ? श्राद्ध हम जनरली एसोसिएट करते हैं पितृपक्ष से, जो दीपावली के पहले, इनफैक्ट नवरात्रि के पहले आता है, लेकिन हर अमावस पे पितरों का श्राद्ध किया जाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और दीपावली क्योंकि अमावस के दिन आती है, इसीलिए अमावस का पहला आपका कर्तव्य सुबह सुबह पितरों के लिए श्राद्ध का होता है।
दूसरी इम्पोर्टेंट चीज जो हमें स्कंद पुराण से पता चलती है वो ये है कि पूरा दिन हमें फीस्टिंग नहीं फास्टिंग करनी। स्कंद पुराण के हिसाब से दीपावली वाले दिन आपको निराहार रहना चाहिए एटलीस्ट रात्रि तक। तीसरी इंटरेस्टिंग चीज, दीपावली के दिन हम सबको पता है लक्ष्मी पूजा का बहुत महत्व होता है, तो लक्ष्मी देवी की पूजा करने की जो विधि है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जो साधक है उसे देवी देवताओं के लिए स्पेशली लक्ष्मी देवी के लिए बेड्स बनाने होते हैं। सूत के थ्रेड्स के, कॉटन के थ्रेड्स के बेड्स बनाने का उल्लेख मिलता है, और लक्ष्मी जी के लिए स्पेशली कमल के फूलों का बेड जो बनाएगा उसे ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी जी साल भर उसको आशीर्वाद देंगे। चौथी इंटरेस्टिंग डिटेल दीपावली के बारे में ये है कि द्वादशी से लेकर बलि प्रतिपदा तक जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसमें पुरुषों का और स्त्रियों का अलग अलग योगदान है। पुरुषों के लिए बताया गया है आरती करना कर घर के बड़े बूढ़ों की, घर के सेवकों की, घर की स्त्रियों की स्पेशली माताओं की आरती करने का जो दायित्व है वो पुरुषों के ऊपर आता है, और स्त्रियों के का जो दायित्व है वो है लक्ष्मी जी को उठाना। लक्ष्मी जी का पूजन शाम के समय स्त्रियों का दायित्व बताया गया है। लास्ट इंटरेस्टिंग डिटेल जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ दीपावली के बारे में, वो मध्य रात्रि यानी मिडनाइट को परफॉर्म की जाती है अगेन घर की महिलाओं के द्वारा। इसमें महिलाएं अपने हाथ में विनोइंग बास्केट जिसे हिंदी में सूप कहते हैं वो लेके और छोटे छोटे नगाड़े लेके उनको पीटती है। जहाँ पे पशु और मवेशी बांधे जाते थे घरों में पहले, वहाँ पे उस एरिया में मतलब अपने आंगन में बेसिकली, और इसके द्वारा वो घर से अलक्ष्मी और बुरी स्पिरिट्स को भगाती हैं। तो ये है दिवाली के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स, कुछ इंटरेस्टिंग रिचुअल्स जो हम आज शायद इतना फॉलो नहीं करते, पर लेकिन पुराणों के हिसाब से इन्हें किया जाना चाहिए।